नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं बीएसटी ऑल टिप्स। आप सभी का बीएसटी ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपने उद्यमी योजना में ट्रेनिंग कर लिया है और प्रोजेक्ट बदलना चाह रहे हैं। पहले जो प्रोजेक्ट था, आप उस प्रोजेक्ट को बदलना चाह रहे हैं क्योंकि आप जो ट्रेनिंग थी। मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि 11 जिला में ट्रेनिंग चालू हो गया है, उसका अपडेट मेरे पास आ गया है। 11 ठो जिला है, उसका अपडेट आ गया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा वो कौन से 11 को जो जिला है जहां पे ट्रेनिंग शुरू हुआ है, और 8 फरवरी तक होगा। 24 तारीख से लेकर के 8 फरवरी तक होगा। किए हैं तो आपको उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं। आप चाह रहे हैं कि नहीं भाई, मेरा जो अपने हिसाब से मैं दूसरा प्रोजेक्ट लेना चाहता हूं। मान लेता हूं कि कोई आदमी अगरबत्ती का बिजनेस के लिए अप्लाई किया था और फाइनल लिस्ट में भी उनका नाम भी आ गया है, और वो नोटबुक लेना चाह रहा है। तो अगर कोई नोटबुक छोड़ करके वो चप्पल का बिजनेस करना चाह रहा है, तो कुछ बिजनेस करना है, यानी कि वो प्रोजेक्ट अपना बदलना चाह रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि भाई हम प्रोजेक्ट जब बदलना चाह रहे हैं तो उसमें लेटर लिखना होता है। जहाँ पे आप ट्रेनिंग करें किए हुईगा तो वो आपको बोला होगा कि लेटर लिख के लाइए। अब उनसे पूछने जाते हैं कि भाई किनके पास लिखें, तो आपको डांट के भगा देता है। नहीं जब भाग ट्रेनिंग कर रहा है, बिजनेस करेगा, पढ़ा लिखा है, अभी तुमको लेटर भी नहीं लिखने आता है, तो ताना दे करके वो चला आएगा। तो आप सर्च मारिएगा, सर्च मारते मारते आप यहाँ तक आ गए हैं, तो आपको धन्यवाद है। आपके लिए ये वीडियो खास है। मैं आपको बताऊँगा कि किनके पास आपको लिखना चाहिए प्रोजेक्ट बदलने के लिए, और बारीकी से स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में, नीचे लिखना है श्रीमान महोदय जिला उद्योग पदाधिकारी लिखना है। जब यहाँ पे श्रीमान, देखो यहाँ पे महोदय नहीं आएगा, श्रीमान जिला उद्योग पदाधिकारी महोदय यहाँ पे लिख दीजिए, या शुरू में दीजिएगा तो लास्ट में नहीं लिखिएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा है कि लास्ट में आप दे दीजिएगा। विषय प्रोजेक्ट बदलने हेतु कर देंगे, या प्रोजेक्ट बदलने के संबंध में, हेतु के संबंध में के डिनोट करता है। अगर के संबंध में नहीं लिखते हो तो हेतु से काम चल जाएगा। तो लेटर का मतलब होता है कि कम शब्द में आप अपनी व्याख्या को जो कहना चाह रहे हैं वो कह दें, नहीं तो वो कहानी हो जाएगा। महाशय से नम निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा, पिता का नाम दे देंगे, ग्राम दे देंगे, थाना और जिला, इतना चीज लिखना है। जिला लिख देंगे। यहाँ पर लिखना है का, यहाँ का छूट गया है, लिख दीजिएगा का मूल निवासी हूँ। मैंने उद्यमी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री चारों कैटेगोरी में से, ये बात नहीं लिखना है, कोष्ट में मैंने समझाने के लिए लिखा है, नहीं तो कितना ये भी लिख देगा। देखो मुख्यमंत्री कोई होगा कि चारों होता है ना, युवा उद्यमी योजना, SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ठीक है, और अल्पसंख्यक, ये चार ठो है। तो चारों में से जो होगा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो पहले वाला प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिएगा कि मुझे पहले वाला ये प्रोजेक्ट था के लिए मैं, मेरा चयन हुआ है, परंतु मैंने जब ट्रेनिंग किया तो मेरा जिज्ञासा है कि मैं प्रोजेक्ट नया वाला जो प्रोजेक्ट है, नया वाला प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर देना है, न्यू प्रोजेक्ट का नाम जो आप लेना चाहते हैं, लेना चाहता हूँ। अतः श्रीमान से आग्रह है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए मेरा प्रोजेक्ट बदलने की कृपया प्रदान किया जाए। यहाँ पर देखिए कृपया प्रदान किया जाए, तो ये हो गया जो है ना, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कितना लिखता है कि कृपया प्रदान करें, तो करें सब जो है ना आ गया है, आप ऑर्डर दे रहे हैं। आप बड़े पदाधिकारी को आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कृपया प्रदान किया जाए, कृपया प्रदान किया जाए लिखेंगे। यहाँ पर लिखना आपका विश्वासी देखो प्रशिक्षणार्थी लिखना है। क्या लिखनी है सर? प्रशिक्ष
नार्थी लिखना है। अब कोई यहाँ पे छात्र लिख देंगे तो आप ये स्टूडेंट थोड़ी है, छात्र थोड़ी है, आप वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रशिक्षणार्थी लिखना है। और यहाँ पे प्रशिक्षार्थी नाम नहीं लिखनी है, यानी कि हमारे कहने का मतलब सीधे डायरेक्ट प्रशिक्षणार्थी, कोई प्रमोद होगा तो प्रमोद अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, पिता का नाम देंगे, क्रमांक देंगे और कैटेगरी देंगे। क्रमांक यहाँ पे वो वाला देंगे कि जो चयन हुआ है ना फाइनलिस्ट में, वो सीरियल नंबर को ही कहते हैं, यहाँ पे सर सीरियल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका कैटेगरी दे देंगे। कैटेगरी का मतलब है, हमारे कहने का मतलब यहाँ पे कोई जिस जाति से आते वो जाति नहीं, कैटेगरी आप जो चारों उद्यमी योजना है उस चारों उद्यमी योजना में से जो कैटेगरी आपका है, तो कोई युवा में डाला होगा तो युवा यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे अल्पसंख्यक कोई होगा तो अल्पसंख्यक लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आपका दिनांक दे देंगे और दिन दे देंगे, ये इस साइड में, यहाँ पे नहीं लिखना, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे इस साइड में दिनांक लिखा जाता है। अब आइए, तो बहुत से जो ज़िला है उस ज़िला में हमसे जो गाइड लिया है, तो वहाँ पे देखो सेवा में यहाँ पे देखिए जिला उद्योग पदाधिकारी के बाद और कितना जो है यह इसको रिटर्न कर देगा, कहेगा कि भाई जीएम के पास लिखिए। किसके पास लिखिए? जीएम के पास। तो यहाँ पर जीएम महोदय लिखेंगे, यहाँ जिला उद्योग के जगह पर जीएम आ जाएगा। जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग का जो जो मालिक है उसका जो जीएम के देख रेख में होता है तो जीएम होता है, तो जीएम के पास आप लिख सकते हो। और जितना जो सब चीज़ जितना जो यहाँ पर है सेम चीज़ वही आएगा, सिर्फ वहाँ पर जीएम आ जाएगा। तो जो भी आपका भाषा है तो कुछ आप यहाँ से इतना आप अपने से भी यहाँ से कुछ जो मैटर है आप अपना से भी कुछ मैटर इसमें दे सकते हैं। तो देखिए उद्यमी योजना से रिलेटेड हर छोटा बड़ा मैं अपडेट लेकर के आता रहता हूँ, और मैं बराबर जो वीडियो बनाता हूँ तो उसमें सब्सक्राइब करना लाइक करना ये भूल जाते हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना होता है। अब बारी आती है कि जो 11 ज़िला है जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अरवल, अरवल ज़िला में आपका 27 जनवरी से ट्रेनिंग चालू होगा। और लखीसराय, लखीसराय में आपका 25 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक। पटना का अभी, पटना में अभी नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर अभी स्क्रूटनी चालू हुआ है, उसके बाद कुछ अपडेट आता है तब मैं आपको बताऊंगा। दरभंगा से भी स्क्रूटनी का काम है, और विशेष के लिए आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया था जिला उद्यमी योजना के जो पदाधिकारी है उनसे आप बात कर सकते हैं। वैशाली ज़िला में आपका 19 जनवरी से चालू है। बेगूसराय, बेगूसराय से भी अभी अपडेट नहीं है। बक्सर 24 जनवरी से है, और मधुबनी 24 जनवरी से 35 ठो कैंडिडेट के साथ हो रहा है। हाजीपुर में 19 जनवरी से है। कैमूर में, कैमूर में देखा जाए आपका 27 जनवरी से है। एससी एसटी के लिए है, 35 को का सिलेक्शन हुआ है कैमूर भभुआ में, और उसके बाद 8 फरवरी से महिला का होगा कैमूर का। इसके बाद है आपका औरंगाबाद, औरंगाबाद में 21 जनवरी से है, 35 को है 21 जनवरी के। इसके अलावा कोई जिस भी आप ज़िला से आते हैं कमेंट में दे दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं उसका अपडेट लेकर के आऊँगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, लव यू, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।